डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है पारिक क्लासेज जोधपुर चैनल पे। जैसा कि आपको पहले मैंने एक राजस्थान के बेसिक वीडियो एक अपलोड किया था, जिसमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया था, वो आपको पसंद आया होगा। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो राजस्थान के एक सामान्य परिचय के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि राजस्थान, राजस्थान शब्द जो आया है, जो नाम आया, प्रारंभ से ही से राजस्थान नाम से नहीं जाना जाता था। वाल्मीकि ने, यानी हम बात करें रामायण काल में, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि महोदय, इन्होंने क्या कहा था? रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान क्षेत्र को मरुकांतरा कहा है। मरुकांतर, क्योंकि यहाँ मरुस्थली क्षेत्र था, इसे मरुकांतर क्षेत्र कहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत, यानी ये कौन से समय में देखने को मिलता है? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण हुआ था। बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में ये शब्द देखने को मिलता है। मोहनोतनयंसी की ख्यात एवं राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी राजस्थान शब्द का रामायण के अंदर मरुकांतर शब्द प्रयोग हुआ है, मोहनोतनयंसी की ख्यात एवं राजरूपक नामक ग्रंथों में राजस्थान शब्द प्रयोग किया है, और राजपूताना, फिर हम बात आते हैं, फिर यहाँ पे आए थे मुगल, मुगलों ने राजस्थान को क्या कहा? क्योंकि यहाँ कौन रहते थे? राजपूत, राजपूत रहते थे, उन्होंने कहा राजपूतों का क्षेत्र है। फिर उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसे कैसे लिखा? RAJ, राज, PUTAN, राजपुताना। तो यानी अंग्रेजों ने जो इसको नाम दिया है वो क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया है। अब राजपुताना जो नाम दिया है इसकी भी बात आती है, तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा? राजपुताना शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है 1800 ईस्वी में, इसको पहली बार इस शब्द को प्रयुक्त किया है, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, आप कमेंट में लिखिए उसका नाम। उनका नाम है जॉर्ज थॉमस है, जिन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। फिर बाद में बात आती है कि ऐसे ही एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी रहे हैं जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड की बात आती है तो कर्नल टॉड ने इसे राजस्थान या रायथान शब्द का नाम दिया है। साथ ही हम अगर ये देखें कि जो जॉर्ज थॉमस हैं, जॉर्ज थॉमस ने 1805 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में बनता है, इसमें 1805 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? एक नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे, मिलिट्री मेमो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने कहा कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया, यानी राजस्थान के लिए पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रयोग किया। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है, वो है अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। अब आती है कि कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, कि इन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या नाम दिया? रायथान। सबसे पहले इसका नाम रायथान दिया, और फिर इसके बाद में इसको रायथान व कहीं कहीं इन्होंने क्या कहा? रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि स्थानीय साहित्य में, बोलचाल में राजा रजवाड़ा कहते थे, तो इन्होंने रायथान
रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अब बात आती है कि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बहुत कई बार पूछी गई है, 1829 में, 1829 में इनकी जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, दी एनॉल्ड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दी एनॉल्ड एंटीक्विटीज एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, हमें याद रखनी है, दी एनॉल एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथ ही सर्वप्रथम इन्होंने, और एक साथ में एक और इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में फिर राजस्थान का जो एकीकरण आता है, एकीकरण की अगर हम बात करें तो ये एकीकरण का कार्य प्रारंभ होता है सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर धीरे धीरे 6-7 चरणों में ये पूरा होके 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया, और ये संपूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 में तैयार होके कंप्लीट होता है। फिर हम बात करें राजस्थान के परिचय की, ये है राजस्थान का मैप। विद्यार्थियों, हमने इस मैप पे बात करी थी, इस मैप में टोटल हम करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान समय में, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हमें बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि राजस्थान का स्वरूप कैसा है, ये इसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है, हमें एक पतंग के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पतंगाकार स्वरूप है, या विषम चतुर्कोणीय चतुर्भुज के समान ये दिखाई देता है। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जब हम इसके परिचय की बात कर रहे हैं तो परिचय में लोकेशन आती है कि इसकी साफ स्थिति कैसी है, स्थिति लोकेशन कहाँ है, स्थिति की बात आती है तो भारत में यह उत्तर पश्चिम में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है, और गोलार्ध की बात आता है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार ये यहाँ से शुरू होता है, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होके यहाँ ये पहुंचता है 30 डिग्री 12 मिनट, यानी अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य स्थित है, और देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ से प्रारंभ हो जाता है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके यहाँ पे ये इसका अंतिम आता है 78 डिग्री 17 मिनट। कौन से देशांतर हैं? ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है, यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। हमारा जो ये अगर हम कहें राजस्थान में से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो राजस्थान में से लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। देशांतर रेखाओं की संख्या अगर हम कहें तो कितने हैं, 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है, और 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है तो हमारे यहाँ यहाँ से यहाँ, यानी भरतपुर से जैसलमेर के बीच समय का अंतर कितना होगा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट सूर्य लेता है, तो यहाँ ये 36 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतर मिलता है, 36 मिनट का समय का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा से 21 जून के दिन सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, यानी ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। और फिर हम आगे बात करें, इसका जो विस्तार है राजस्थान का जो विस्तार है, विस्तार में हम कहें तो यहां से ये प्रारंभ होता है, उत्तर से दक्षिण के बीच में जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई है 826 किलोमीटर, और अगर हम पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर, और अगर हम कहें यहाँ जो
ये विलंब विकर्ण कटते हैं, ये विकर्ण जो कटते हैं, इन विकर्णों की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी बताई गई है, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर, और यहाँ ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। फिर बात आती कि ये सारे जो विकर्ण जहाँ कटते हैं उस शहर का या उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर, नागौर में ये सारे विकर्ण कटते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। साथ ही इसकी अगर एक व्यक्ति जो गंगानगर से प्रारंभ होता है उसकी पूरी सीमा का चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुंचता है तो उसे कितने किलोमीटर की यात्रा संपन्न करनी पड़ेगी, ये उसे टोटल हो जाएगी 5920 किलोमीटर की यात्रा उसे संपन्न करनी पड़ेगी। यानी राजस्थान की कुल अगर हम कहें कि जो विस्तार है इसकी सीमाओं का तो 5920 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अगर हम बात करें तो 1070 किलोमीटर है, जिससे कि रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है। ये रेडक्लिफ रेखा यहाँ ये बॉर्डर पे पूरी बनी हुई है। इस बॉर्डर पे मुख्य रूप से 4 जिले हैं जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जिले यहाँ देखने को मिलते हैं। इसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, आगे हम और महत्वपूर्ण जानकारी पे बात करेंगे। इसी के साथ हमारा ये हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बारिक क्लासेज जोधपुर से बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।